स्वागत करदा हां वीरे ते भैणां दा तुहाडे आप दे यूट्यूब चैनल दे उत्ते। ते अज मैं तुहाडे लई दो नोटिफिकेशन लैके आया हां जो कि आउट कर दिते गए ने दो अलग अलग विभागों दे विच। वीडियो नूं एंड तक पूरा जरूर देखियो ताकि तुहानूं पता लग सके कि तुसीं किद्दां अपलाई करना ते कौन कौन इहदे लई एलिजिबल है अपलाई करन दे लई। सो मैं तुहाडे लई हर वार दी तरह नवें नवें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लैके आंदा ही रहना हां। सो वीडियो नूं एंड तक पूरा जरूर देखियो जी। नवें नवें अपडेट दे लई तुसीं सानूं कमेंट भी कर सकते हो किद्दां दे अपडेट है जिहड़े तुसीं चाहुंदे हो अपने लिए। सो मैं तुहाडे लिए लैके आवां। सो तुसीं अपने एरिया दे प्लस अपनी क्वालिफिकेशन का कमेंट भी कर सकते हो ताकि असीं तुहाडी क्वालिफिकेशन और एरिया वाइज जिहड़ी भी रिक्रूटमेंट आउट होण मैं तुहाडे लिए सब तो पहले लैके आंदा रहां। तो चलो तुहानूं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करदा, तुहानूं लै चलदा जी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ते। अगर पहली बार साडे चैनल ते आ रहे हो साडे चैनल नूं करो सबसक्राइब ते नाल दी नाल बैल आइकन वी दबा दिओ। उहदे नाल तुहानूं हर एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिहड़ा है टाइम ते मिलदा रहेगा ते तुसीं समय रहिंदे उहनूं अप्लाई भी कर पाओगे। सब तो पहले तुहानूं लै चलदा जी ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिहड़ा तुसीं देख पा रहे हो। ये नोटिफिकेशन आउट कर दिता गया जी PSTCL दे वल्लों। इस तो बाद दूसरा नोटिफिकेशन जिहड़ा कि PSPCL जिस दे विच 8वीं पास जिहड़े कैंडीडेट ने वह भी एलीजिबल होंदे ने ते अपलाई कर सकते हैं। सब तो पहले ये तुहानूं दस देना जी इंपोर्टेंट डेट जिहड़ा कि 26/4/2021 तो 10 बजे तो अपलाई करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 17/5/2021 है ते जिहड़ी फीस डिपोजिट करनी है तुसीं लास्ट डेट 19/5/2021 है। सो ये नैक्सट असीं गल करते हैं कि पोस्टां आउट हुई ने जी। ये जिहड़ियां ने असिस्टेंट इंजीनियर जिहड़ियां ने इलैक्ट्रिकल दियां पोस्टां जिहदे विच तुसीं BE BTech BSc कीती हुई है डिग्री इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे विच तां तुसीं इहदे लई अपलाई कर सकते हो। 7 CPC दे अकॉर्डिंगली तुहाडा जिहड़ा है वह पे स्केल इहदे विच रहण वाला है जी। नैक्सट असीं गल करदे हैं असिस्टेंट इंजीनियर जिहड़े है सिविल दियां पोस्टां आउट हुई ने। इस दे विच 6 पोस्टां टोटल आउट हुई ने। पहली जिहड़ी सी उस दे विच 43 पोस्टां जिहड़ियां ने वह आउट हुई ने। इस दे विच अगर तुसीं फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग दे विच कीती है सो इस दे लई मिनिमम 60% मार्क्स तुहाडे कोल हैगे ने तुसीं इहदे लई एलिजिबल हो अपलाई कर सकदे हो। पे स्केल सेम तुहाडा 7 CPC दे अकॉर्डिंगली रहेगा। सो इस दे विच अकाउंट ऑफिसर दी जिहड़ी पोस्ट है तुसीं CA पास कीती है CWA CMA कीती हुई है तुसीं इहदे लई एलिजिबल हो ते अपलाई कर सकदे हो। असिस्टेंट मैनेजर HR दी पोस्ट ने जिहदे विच तुसीं अगर 2 साल जिहड़ा फुल टाइम रेगुलर MBA कीती हुई है सो तुसीं इहदे लई एलिजिबल हो ते अपलाई कर सकदे हो। स्पैशलाइजेशन जिहड़ी तुहाडी होनी चाहीदी है HR और इहदे विच IR दे विच एटलीस्ट 60% मार्क्स दे नाल तुसीं कीती तो एलिजिबल हो अपलाई कर सकते हो। हाँ अगर तुम PSPCL या PSTCL दे रेगुलर अपलाई और तुम PG डिप्लोमा किया 60% मार्क्स के नाल तो तुम ये एलिजिबल हो तो अपलाई कर सकते हो। नैक्सट असी गल करते हैं इस असिस्टेंट मैनेजर IT इस फुल टाइम BE BTech BSc की इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस IT विद 60% मार्क्स और इस इक्वलेंट कोई भी जी डिग्री की हुई है तुम ये एलिजिबल हो अपलाई कर सकते हो। या फिर फुल टाइम MCA की हुई है किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो और इस 60% मार्क्स के नाल पास की है तुम एलिजिबल हो तो अपलाई कर सकते हो जी। डिविजनल अकाउंटेंट की 10 पोस्टा आउट हुई ने। फुल टाइम रेगुलर BCOM की हुई है 60% मार्क्स के नाल या फुल टाइम MCOM की हुई है तुम तो किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड तो 50% मार्क्स के नाल एलिजिबल हो। जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के 200 पोस्टा आउट हुई ने। फुल टाइम 3-4 ईयर डिप्लोमा है इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एलिजिबल हो अपलाई कर सकते। जूनियर इंजीनियर सिविल फुल टाइम 3-4 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का किया हुआ है रेकोगनाइज अप्रूव्ड गवर्नमेंट वालों 60% मार्क्स के नाल या BE BTech BSc इंजीनियरिंग की हुई सिविल इंजीनियरिंग 50% मार्क्स के नाल एलिजिबल हो अपलाई कर सकते हो जी। उस तो बाद जूनियर इंजीनियर कम्यूनीकेशन की है जी फुल टाइम रेगुलर 3-4 ईयर डिप्लोमा पास आउट किया होया इलैक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्यूनीकेशन एलिजिबल हो अपलाई कर सकते हो। टैली मकैनिक अगर मैट्रिक ITI पास की है 2 साल का रेडियो मकैनिक या वायरलैस मकैनिक का ट्रेड की हुई है कोर्स किया होया तो ये जरा अपलाई कर सकते हो। नैक्सट असी गल करते हैं या 3-4 साल का डिप्लोमा किया इलैक्ट्रॉनिक्स कम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग तो एलिजिबल हो अपलाई कर सकते हो। टोटल 15 पोस्टा ने लोअर डिवीजन क्लर्क दी 140 पोस्टा ने। फुल टाइम कोर्स बैचलर डिग्री की हुई है तुम ठीक है जी 50% मार्क्स के एलिजिबल हो तुम अपलाई कर सकते हो। 140 पोस्टा आउट हुई ने। नैक्सट है जी लोअर डिवीजन क्लर्क दी 40 पोस्टा ने। फुल टाइम कोर्स किया है बैचलर ऑफ कमर्स स्टेट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट रेकोगनाइज वालों तो 50% मार्क्स ने अगर पास आउट किया है तो एलिजिबल हो अपलाई कर सकते हैं। टोटल 40 पोस्ट जी ने वो आउट हुई ने।
इस दे विच जिहड़ियां ने तुहानू चैक कर सकदे हो तुसीं कुछ कंडीशनस लिखियां ने कि तुहानू जिहड़ी पंजाबी दी नॉलेज होनी जरूरी है किसी भी पोस्ट के लिए। सो इस दे विच तुहाडे तुसीं चैक कर लैणा 10th विच तुसीं अगर पंजाबी लैंग्वेज नाल पास की है तुसीं इंडिया तो कितों भी हो तो एलीजिबल हो। एज लिमिट की अगर असीं गल करते हैं इस विच 20 साल तो लैके 37 साल तक के कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं जो कि AE इलैक्ट्रिकल AE सिविल ठीक है जी अकाउंटेंट ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर HR असिस्टेंट मैनेजर IT वालों अगर और बाकी जिहड़े कैंडिडेट ने जिन्होंने अपलाई करना है जूनियर इंजीनियर सबस्टेशन और जूनियर इंजीनियर सिविल जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन टैली मकैनिक और LDC टाइपिस की 18 to 37 साल के कैंडिडेट एलीजिबल ने अपलाई कर सकते हैं। इस दे विच एज रिलैक्सेशन भी तुहानू लिखी हुई है तुसीं चैक कर लेना अपनी पोस्ट वाइज तुहानू जरूर जिहड़ा दिखाया होया है। तो अगर तुहाडा कोई भी डाउट होए तुसीं सानू कमेंट कर सकते हो। अपलाई करने के लिए इन्होंने लिंक दिता होया है वो तुसीं सानू अगे दिखाना है। इस विच सिलेक्शन प्रोसैस तुहाडा जिहड़ा है एक टैसट होएगा जिस दे बेसिस तुहाडा प्योरली बेसिस ते तुहाडी जिहड़ी है सिलेक्शन होएगी। सो तुसीं उस टैसट की तैयारी कर लेनी है जी। उन्होंने सिलेबस नीचे मैनशन किया होया टैसट का पैटर्न भी लिखा होया तुसीं वो भी एक बार जरूर चैक कर लेना जी। सो हुण मैं तुहानू लैके चल रहा जी इस दे विच किद्दां अपलाई करना है। तुसीं ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਆਈ ਐਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੌਗਇਨ ID ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 8th ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ 6 ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ TTI ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਾਰ PSPCL ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨੇਮ ਰਹੇਗਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 25 ਮੰਥ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਰੱਖਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।